अब हम आज हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, डाइकॉट और मोनोकॉट की लीप के बारे में, पत्ती के बारे में, किस तरीके से होगी। डाइकॉट यानी कि द्वी बीज पत्री, वाह, मोनोकॉट, मोनोकॉट मतलब एक बीज पत्री, एक बीज पत्री के पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री की, तो द्विबीजपत्री की पत्ती के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बाद में मोनोकॉट, फिर हम इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम पत्ती की बात करते हैं, तो क्या करते हैं इसकी हम, जब पत्ती कैसी होती है, इसकी पत्ती होती है पृष्ठाधार यानी कि डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस आपने पढ़े होंगे। ये अपनी बॉडी है, इसमें ये अपना वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल है, तो इस तरीके से पृष्ठाधार होती है, ठीक है। ओके, एंड देन इसमें क्या होगा, मुख्य इसमें तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसमें, तीन भाग मुख्य होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला भाग जो है वो है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, इसे कहते हैं हम एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको हम, एपिडर्मिस कहते हैं। अब एपिडर्मिस दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट है भरण ऊतक। पत्ती का जो भरण ऊतक है ना, जिसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, पत्ती का जो ग्राउंड भरण ऊतक है वो बना होता है मेजोफिल सेल का। किसका बना होता है, मेजोफिल कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है संवहन ऊतक, संवहन ऊतक है जिन्हें कहते हैं हम वैस्कुलर टिश्यूज। क्या बोलते हैं इनको हम, वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। तो जो बाह्य त्वचा है, तो बाह्य त्वचा का हम यदि हम इनका, इनको इसलिए लंबत कट कट करेंगे, लंबत काट देखेंगे तो किस तरीके दिखेगा आपको। जो बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा में भी क्या है कि इसको देखेंगे तो ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे ऊपरी और नीचे वाली निचली, ऐसे करना है। तो इसमें होती है ऊपरी बाह्य त्वचा, और ये वाली कौन सी होती है, निचली बाह्य त्वचा। तो जो ऊपरी बाह्य त्वचा जो है उसको बोलते हैं हम एडेक्सियल सरफेस या इसको बोलते हैं अभ्यक्ष सतह, ठीक है, इसको बोलते हैं एबेक्सियल, एबेक्सियल सरफेस, या उसको बोलते हैं अपाक्ष सतह। तो अपाक्ष और अभ्यक्ष क्या है, इसको बोलते हैं जैसे तना है, तना में ये पत्ती है, तो पत्ती का जो भाग तने के साइड में है, एडिंग टू स्टेम, एडेक्सियल, अवे, अवे मतलब दूर है, ये वाला पार्ट दूर है इससे तने से, तो ये एबेक्सियल का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम स्टेम, यानी कि तने से दूर है, दूर है किससे, तने से, तो ये एबेक्सियल हो गया। ये क्या बोलते हैं, एडिंग टू स्टेम यानी कि स्टेम के पास, यानी कि तने के पास वाले जो पार्ट है उसको हम, इस तरीके से हमने इसको दो भागों में बांट दिया है, एपिडर्मिस को, देन भरण ऊतक, और फिर हम वैस्कुलर टिश्यूज की बात करेंगे, ठीक है। ये है एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, क्या है ये, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, ऐसे कहते हैं हम ऊपरी बाह्य त्वचा, त्वचा, या इसी को बोलते हैं एडेक्सियल सरफेस। एडेक्सियल क्यों बोल रहे हैं, तो ये कंसेप्ट समझ लें, जैसे कि ये तना है और तना के पार्ट में ये ऐसी पत्ती है, तो पत्ती का ये वाला भाग जो है ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, एडेक्सियल, क्योंकि ये एडेक्स मतलब एडिंग टू स्टेम, तने के पास वाला भाग है, ठीक है। और ये वाला भाग जो इस साइड का है वो तने से दूर है, अबे, अबे मतलब क्या होता है, दूर, एपेक्सियल, एपेक्सियल मतलब होता है अबे,
यानी कि तने से दूर, और ये कैसा है एडेक्सियल एडिंग टू, यानी कि तने के पास वाला भाग है। तो ऊपर वाला भाग नेचुरली पास में होगा और पीछे वाला भाग दूर होगा, इसलिए इसको एडेक्सियल और एबेक्सियल कहते हैं। अब हम देखें इसमें क्या है, तो यहां पर कुछ लंबी लंबी ऐसी है, ये देख रही है आपको, ये मेसोफिल सेल है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल जो कोशिकाएं हैं वो दो तरीके की होगी, एक को बोलते हैं खंभ या पैलिसेड, पैरेन्काइमा, ये सब पैरेन्काइमा के बने हैं, और दूसरे जो है, दूसरे हैं स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा। इसमें देख रहे हैं लंबे लंबे खंबे जैसे हैं, इसलिए खंभ बोल रहा है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरे हुए हैं, देखिए सभी में भरे होंगे ये क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से, ठीक है, बिंदी बिंदी हम दिखा रहे हैं, ये सब क्या है क्लोरोप्लास्ट हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये हैं खंभ, या जिन्हें कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। और ये कैसे लगे हुए हैं, ऊपरी सतह के नीचे लगे हुए हैं, ऊपरी सतह के जस्ट नीचे लगे हैं। इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे ये वाली सेल आ जाएगी गोल गोल, ये गोल गोल जो सेल आपको दिख रही हैं, ये हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। कौन सी है, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और यहीं पे नीचे की साइड में हम बताएंगे क्या, ये निचली सतह है जिसपे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, इसकी निचली सतह पे स्टोमेटा, ये कौन सी होगी, ये होगी निचली बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा जैसे कहेंगे हम लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, इसी सतह को हम बोलते हैं एबेक्सियल, 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 एबेक्सियल मतलब अपाक्ष होते हैं, अपाक्ष सतह, एबेक्सियल सरफेस, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, खंभ आपने देख लिया, ये मेसोफिल के ही दो पार्ट है, मेसोफिल दो भागों में विभेदित होती है, एक खंभ में और एक स्पॉन्जी। तो जो गोल गोल है स्पॉन्जी है, इनके अंदर भी भरे क्लोरोप्लास्ट, ये गोल गोल, ये देखिए। तो ये कौन सी है, ये है स्पंजी पैरेन्काइमा। और इनके अंदर सबके अंदर भरे होंगे, देखिए भरे हुए, और इस तरीके से ये देखिए। तो इनमें क्या होता है, इनमें वायु अवकाश भी होते हैं, क्या होते हैं, इनमें वायु अवकाश होते हैं। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सब स्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटा के नीचे है सब स्टोमेटल कैविटी, गुहिका। ये आपको क्या दिख रहा है, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा जिसे हम कहते हैं रंध्र, ठीक है। और बीच में यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा ये बीच में वेस्कुलर बंडल्स होंगे, जहां पर जो कि मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से घिरे रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बंडल अक्षत, बंडल अक्षत बनाते हैं। ये कैसी हैं, मोटी कोशिकाएं, ठीक है। और इसके अंदर होंगे वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जनरली हम स्टेम में देखते हैं। तो स्टेम में क्या होता है, स्टेम में जाइलम इधर होता है, फ्लोएम इधर होता है, फ्लोएम में जाइलम, इसमें थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, इसमें जाइलम ऊपर लेंगे, फ्लोएम हम कहाँ लेंगे, नीचे, ठीक है, ये आपका हो गया। और इनके चारों तरफ पैरेन्काइमेटा सेल्स पूरे में भरी होंगी इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सी सेल है, ये मेसोफिल सेल है, देखिए मेसोफिल सेल पूरे में भरी हुई है, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। और एक पॉइंट बता दें आपको यहीं पे कि इनके, इन पर क्या होता है, क्यूटिकल की परत होती है, क्यूटिकल, ये देखिए ये क्या है, ये है क्यूटिकल की परत, मोमी पदार्थ है क्यूटिकल, उसकी परत होती है। तो ये आपका हो गया। अब हम इनको एक एक करके, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम करेंगे तीन पार्ट हैं बेसिकली, एक तो अपर एपिडर्मिस, दूसरा कौन सा होता है लोअर एपिडर्मिस, और तीस में होते हैं मेसोफिल सेल, जिनके दो पार्ट हैं खंभ और स्पंजी। ये कौन सी है, मेसोफिल
ये क्या करती है, ये बनाती है इसका भरण ऊतक, ग्रांड टिश्यू, क्योंकि म्यूजिबल सेल का बना होता है। और इनके अंदर ये देख पा रहे हैं आप बिंदी बिंदी, बिंदी क्या है, ये बिंदी है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो हम एक एक करके इनके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इधर भी क्यूटिकल होती है, लेकिन क्यूटिकल की मात्रा यहाँ कम होती है ऊपर वाले पे। अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा, ये जैसे क्या कह रहे हैं अपन, एडेक्सियल सरफेस, एडेक्सियल सरफेस कह रहे हैं, ठीक है। अब ऊपरी बाह्य त्वचा में क्या है, ये सबसे बाहरी परत है, कैसी परत है, सबसे बाहरी लेयर यही है, बाहरी परत है, तो बाहरी परत तो क्या करेगी, ये रक्षा करेगी, ठीक है, दोनों साइड में होगी हालांकि। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, ये किसकी बनी है, किसकी बनी है, सीधा लिखते हैं, ये बनी है पैरेंटाइमा की, ठीक है, की बनी होती है। अब इन पर, इन पर भी क्यूटिकल होता है। दूसरा, दूसरे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करते हैं निचली बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा जो होती है, जैसे कहते हैं एपेक्सियल सरफेस, ठीक है। हालांकि दोनों ही बाह्य हैं, वो भी बाह्य, ये भी बाह्य है, बीच में वो रहेगा। इसमें इसमें क्या करेंगे हम, एपेक्सियल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एपेक्सियल। इसमें क्या होता है, इन पर क्यूटिकल ज्यादा होता है, क्यूटिकल की जो मात्रा है, क्यूटिकल कैसा होता है, इनमें अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, ऊपरी की अपेक्षा इनमें क्यूटिकल अधिक होता है। नेक्स्ट हम क्या बताते हैं, इनमें स्टोमेटा का नंबर, रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है, रंध्रों की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। तो क्वेश्चन आता है कि डाइकॉट में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो डाइकॉट में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, निचली बाह्य त्वचा पर अधिक होती है। यहाँ पर इनमें रंध्र, ऊपरी बाह्य त्वचा में क्या होगा, रंध्र होंगे कि नहीं होंगे, रंध्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और बाद में नहीं होते हैं। कुल मिला के इनमें रंध्र की हम जब बात करते हैं तो इसमें रंध्र कैसे होते हैं, नगण्य, ना के बराबर हैं, हो भी सकते हैं तो एक आध होगा, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा कहाँ होंगे आपका, निचली बाह्य त्वचा पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मीजोफिल सेल। तो जो मीजोफिल सेल जिन्हें कहते हैं पर्ण मध्योदकी, पर्ण मध्योदकी, पर्ण मध्योदकी, क्योंकि मध्य में है उनको पर्ण मध्योदकी कह रहे हैं। इसमें हमने देखा दो तरीके की हैं, एक तो है खंभ जिसे कहते हैं पहली साइड पैरेंकाइमा, और दूसरे कौन से हैं, स्पंजी पैरेंकाइमा, स्पंजी पैरेंकाइमा। अब हम खंभ के बारे में बात करें तो ये कहां पर हैं, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लगी है, ऊपरी बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन, पैलिसेड या खम की बात कर रहे हैं, खम की बात कर रहे हैं। तो ये कहां लगी हुई है, पैलिसेड या खम वाली कहां लगी हुई है, ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे, पहली लाइन, ठीक है। आपको डायग्राम समझना है, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। नीचे लगी हुई है, कैसी है ये, लंबवत है और एक दूसरे के समानांतर लगी हुई है, ठीक है। ये कैसी है, ये लंबी लंबी है, कैसी है ये, लंबी है, यानी कि लंबवत है और वाह कैसी है, समानांतर। देखा जाए तो ये, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है इनमें, 90 डिग्री का एंगल बनाती है ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, इनमें भी क्लोरोफिल होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगी। नेक्स्ट इनके नीचे जो है, इनके नीचे लगे हैं क्या, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा कौन से हैं,
स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा में हम क्या पढ़ेंगे, स्पंजी पैरेन्काइमा पढ़ेंगे कि ये खम्भ पैरेन्काइमा के नीचे पाई जाती है और ये कहां तक लगातार कहां तक रहेंगी, ये निचली सतह तक रहती हैं। और क्या होता है, ये कैसी हैं, गोल हैं, ठीक है, इनमें थोड़े लूजली अरेंज्ड हैं, तो बीच में बायो अवकाश भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये कहां है, खम्भ पैरेन्काइमा के नीचे से कहां तक जाती हैं, नीचे से लेकर कहां जाएंगी, ये निचली जो एपिडर्मस है वहां तक जाएंगी, यानी निपली निचली बाह्य त्वचा तक जाएंगी। और कैसी होती हैं, ये गोल आकृति की होती हैं, ठीक है, इनमें ये लूजली अरेंज होती है, तो इनमें कहीं ना कहीं क्या रहेंगे, बाह्य अवकाश भी रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कैसी अरेंज है, लूजली अरेंज है, ढीली कैसी रहती है, ढीली रहती है, क्या हम कहें, लूजली अरेंज होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, स्टोमेटल कैविटी क्या है, इसको यही समझा देते हैं। स्टोमेटा के नीचे कुछ अवकाश है, कुछ गुहिका है, उसको बोल रहे हैं हम स्टोमेटल कैविटी। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जाइलम और फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर बंडल। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट संवहन पुल के बारे में, जिसे कहते हैं हम वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल में हम क्या पढ़ेंगे, इससे मिलकर बना होता है जाइलम और फ्लोएम से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट जॉइंट है, एक साथ में है और क्लोज होते हैं पत्ती में, क्यों, क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है, इसलिए कैसे होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं पत्ती में, पत्ती कोई भी हो, डाइकोट हो मोनोकोट, बंद प्रकार की रहेगी। नेक्स्ट जाइलम फ्लोएम, ये जो वैस्कुलर बंडल है, संबंध पुल है, मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, कोशिकाओं से क्या कर रहे हैं, घिरे रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, देखिए घिरे हुए हैं, ये मोटी भित्ति कोशिकाएं हैं, क्या बोल रहे हैं इनको, बंडल सीथ, बंडल आक्षद, जिसे बंडल आक्षद या बंडल सीथ कहते हैं, ठीक है, कहते हैं बंडल सीथ कहते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन आता है जाइलम फ्लोएम की लोकेशन, तो इसमें जाइलम ऊपर की तरफ होगा और फ्लोएम नीचे की साइड में होगा, इसमें जाइलम कहां की तरफ होगा, ऊपर की ओर, और फ्लोएम फ्लोएम होगा नीचे की ओर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तने से। नेक्स्ट क्या है, किस प्रकार का इनमें सिरा विन्यास होता है, तो इनमें डाइकॉट में जालिकावत सिरा विन्यास होता है, जालिकावत सिरा विन्यास होता है, जिसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, क्या बोलते हैं, जिसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। अब देखो इसमें इसमें एक सिरा होती है जिसे हम कहते हैं मध्य सिरा, बीच में जो सिरा होती है उसे कहते हैं मध्य सिरा या मिडरिब, पत्ती में मिडरिब क्यों बोल रहे हैं, बीच में है, मिड में मिडरिब बोल दिया, इससे कुछ सिराएं निकलेंगी, सिराएं और सिरकाएं, ये जो है ये क्या है, सिराएं, और इनसे जो निकल रही है वो क्या है, वो है सिरकाएं। सिराओं को बोलते हैं वेन, इनको बोलते हैं वेनलेट्स, क्या बोलते हैं इनको, वेनलेट्स, वेन या वेनलेट्स, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं इस तरीके से लिखी हुई है ये, और ये जालिका सिरा विन्यास है। तो इसमें क्या होगा कि जैसी वेन, अगर वेन बड़ी है तो उसे वैस्कुलर बंडल भी बड़े होंगे, वेन छोटी है वैस्कुलर बंडल छोटे होंगे, तो इसमें क्या, जैसी वेन वैसे होंगे, तो यहाँ वैस्कुलर बंडल बड़े होंगे, ठीक है, वैस्कुलर बंडल यहाँ पे बड़े होंगे, यहाँ पे छोटे होंगे, यहाँ पे और छोटे होंगे। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैस्कुलर बंडल की साइज, साइज मतलब आकार, किस पर डिपेंड करता है, वेन
या सिराओं के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि सिराए मोटी बड़ी तो वेस्ट कमंडल भी बड़ी, सिराए छोटी तो वेस्ट कमंडल भी छोटी, तो डिपेंड करता है वेस्ट कमंडल की जो साइज है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेन्स, वेन छोटी बड़ी है कैसी है, तो उस तरीके से होगा। और इनके ज्यादातर जो है पैरेन्काइमा की सेल्स लगी रहेंगी। तो ये हो गया आपका डाइकॉट के लीफ के बारे में। ठीक है, अब हम इसको बात करेंगे मोनोकॉट के संदर्भ में। तो मोनोकॉट के संदर्भ में हम क्या बात करेंगे, मोनोकॉट की हम बात कर रहे हैं। अब डाइकॉट कंप्लीट हो गया, अब डिस्कस कर रहे हैं अपन मोनोकॉट की। तो हम बात कर रहे हैं अब मोनोकॉट की लीफ के बारे में, मोनोकॉट की लीफ पत्ती की आंतरिक संरचना। तो इसमें भी तीन भाग होंगे। अब तीन भाग कौन कौन से हैं, एक तो बाह्य त्वचा हो गया, फिर क्या होगा बीच में बाह्य त्वचा, भरण ऊतक हो गया बीच में, इसका भरण ऊतक भी किसका बना होता है, मेजोफिल सेल का। ठीक है, और नेक्स्ट है सम्मान पूल, सम्मान तंत्र होगा, वैस्कुलर सिस्टम होगा, तीन चीजें इसमें आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें देखो इसमें क्या होता है कि इसमें मोनोकॉट में कैसी पत्ती होती है, इसमें होती है सम द्विपार्श्वीय, सम द्विपार्श्वीय होगी। ठीक है, सम द्विपार्श्वीय में क्या करेंगे, इसे कहते हैं आइसो बायलैटरल, आइसो बायलैटरल लीफ होती है, पत्ती होती है। सम मतलब समान है, दोनों साइड में, दोनों साइड में समान होगी। इसका मतलब इसमें देखो मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पर क्यूटिकल देखे तो क्यूटिकल यहाँ, जितनी क्यूटिकल यहाँ है दोनों जगह पर समान क्यूटिकल होती है। ठीक है, और क्या है, दोनों जगह पर नंबर ऑफ स्टोमेटा दोनों सतह पर लगभग समान होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें मेजोफिल सेल जो है ना, दो भागों में डिवाइड डिवाइड नहीं होती, एक ही तरह की रहती है। ये देखिए, देख रही है आपको, ये यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, मेजोफिल सेल जो है वो मेजोफिल सेल ही रहती है, डिवाइड डिवाइड नहीं होती है। तो इसमें क्या है, ये कौन सेल है, ये मेजोफिल, या से कहते हैं पर्ण मध्योदकी। ठीक है, जबकि डाइकॉट में हमने क्या देखा था, दो भागों में डिवाइडेड थी, खम में और पैलिसेड और स्पंजी, यहां पर ऐसा नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट क्या देख पा रहे हैं, अब देखिए इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले ऊपरी बाह्य त्वचा, ठीक है, अपर नर्वस क्या बोलते हैं इसको, एडेक्सियल सरफेस। तो इसमें क्या होता है, और इसमें भी होती है निचली बाह्य त्वचा, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, निचली बाह्य त्वचा जिसे हम कहते हैं अपेक्सियल सरफेस, अबे एडेक्सियल एडिंग टू द, ये हो गए। अब इसमें क्या है कि दोनों सतह पर सम द्वि पार्श्वी, दोनों सतह पर क्यूटिकल की मात्रा समान होती है। इसमें क्या है, दोनों सतह पर क्या होगा, क्यूटिकल की मात्रा कैसी होती है, समान होती है, क्यूटिकल समान होगी दोनों सतह पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या, रंध्रों की संख्या वो भी लगभग समान होती है, लगभग कैसी होती है, समान, इसलिए कह रहे हैं सम समान दोनों साइड पे है, चाहे वो क्यूटिकल की मात्रा हो चाहे वो। और नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तीसरा पर्ण मध्योदकी, पर्ण मध्योदकी, पर्ण मध्योदकी जिसे कहते हैं मेजोफिल टिश्यूज। तो मेजोफिल सेल हम जानते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें पर्ण मध्योदकी दो भागों में डिवाइड नहीं हो जाता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें
क्या इसमें विभेदित होता है? ये विभेदित तो नहीं होता है, विभेदित तो नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मतलब कि बीजों की थाली देख रही है आपको, और सभी में बनाने ही बिंदी ऐसे में पूरे में बनानी है, ठीक है, बिंदी बिंदी पूरे में इस तरीके से सभी बिंदी बिंदी बनानी है ऐसे, डॉट 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 डॉट। क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि इनमें है क्या है, ये हरी है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, हमने ऊपरी वाटिका के बारे में पढ़ लिया, रंध्रों की संख्या हमने क्या देखी, रंध्रों की संख्या कैसी होती है दोनों सतह पर, कैसी होती है, समान होती है, देखिए हमने इसलिए इधर इतना है इधर उतना है, 100 होंगे तो 100 99 ऐसे कहीं बीच में, ये भरण ऊतक हो गया पूरा, क्या हो गया ये भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू किसका बना है वो, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, किसका बना है वो, मेसोफिल सेल का। इसमें मेसोफिल सेल जो है वो क्या होती है, विभेदित होती है क्या, विभेदित नहीं होती है, खम्भ और उसमें विभेदित नहीं होती, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम्मान फूल के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सम्मान फूल के बारे में, सम्मान फूल में क्या डिफरेंस रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हाँ ये जरूर देखना पड़ेगा कि इनके तरफ जो सम्मान फूल के दोनों तरफ जो कोशिकाएं हैं ना वो स्क्लेरेंकाइमा है, देखिए डब्बे के अंदर डब्बा, आपको मैंने ट्रिक बताई थी कैसे पहचानेंगे स्क्लेरेंकाइमा, इन पे भी वो रहेगा बंडल सीट रहेगी, बंडल सीट जो है इन पे भी क्या होती होती है बंडल सीट, यस यहाँ से कहते हैं बंडल अक्षत, क्या बोलते हैं बंडल अक्षत, चारों तरफ रहता है और मोटी मिट्टियों को बना होता है इस तरीके से, देखिए बहुत ज्यादा मोनोकॉट में। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं इनके सम्मान फूल की, या जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, तो ये कैसे होते हैं, फिर से वही कहानी, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होते हैं, लीफ है ना बंद प्रकार की होंगी, और इसमें इसमें किस प्रकार का वेनेशन होता है, किस प्रकार का सिरा विन्यास होता है, तो इनमें इनकी पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास होता है, कैसा होता है, समानांतर सिरा विन्यास होता है, जिसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। आप यदि केले का पत्ता देखें, केला मोनोकॉट में ही आता है, तो उसमें क्या होगा, ये देखिए जो वेन्स हैं वो एक दूसरे कैसी हैं, समानांतर है, कैसी है, समानांतर है, इसलिए समानांतर सिरा विन्यास, ये क्या है, ये है मध्य सिरा, या जिसे हम क्या बोलते हैं मिडरिब, ठीक है मध्य सिरा है। तो वैस्कुलर बंडल की साइज वाइज कैसी होगी, तो इसमें क्या होता है, इसमें उसमें हमने क्या देखा था वैस्कुलर बंडल, इसमें वैस्कुलर बंडल या सम्मान फूल की जो साइज है आकार है लगभग समान होता है, कैसा होता है, समान होता है, क्यों समान होता है, क्योंकि इसमें समानांतर सिरा विन्यास है, केवल मिडरिब को छोड़कर, केवल मध्य सिरा की मतलब मोटी होती है तो नेचुरली बड़े वैस्कुलर बंडल होते हैं, केवल मिडरिब, मिडरिब या जिसे हम कहते कहते हैं मध्य सिरा को छोड़कर के बाकी सब में सेम रहता है समान, तो कोई उसमें असमान थी, डिपेंड कर रहा था कि वेन कैसी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें एक पॉइंट आता है आवर्तक कोशिकाएं, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आवर्तक कोशिकाएं, जिन्हें कहते हैं बुली फॉर्म सेल, क्या बोलते हैं इनको, बुली फॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, ये केवल घास में होंगी, घास की कुछ पत्तियों में, घास में होती हैं, घास की जो ऊपरी
बाह्य त्वचा है उसमें पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निचली या ऊपरी, ऊपरी बाह्य त्वचा, त्वचा जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, जैसे एडेक्सियल सरफेस पर पाई जाती है, ऊपरी बाह्य त्वचा कहो या एडेक्सियल सरफेस, एक ही बात। अब देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, आकार में बड़ी होती है, देखिए ये एपिडर्मल सेल है, ये कौन सी सेल है, एपिडर्मल सेल है, लेकिन ये बुलिफॉर्म सेल है, और इनमें ध्यान रखा जाए ये जाइलम कनेक्शन होता है, इसमें पानी यानी भेजते रहेंगे यहाँ से, जाइलम का अलोंग विथ वेन्स, कैसे रहती हैं, वेन्स के साथ में रहती हैं, वेन्स मतलब सिराएं भी, कहाँ पर हैं ये हैं ऊपरी बाह्य त्वचा, इसे कहते हैं हम एडेक्सियल सरफेस। तो ये कैसी होती है, ये आकार में कैसी होती है, आकार में बड़ी होती हैं, ठीक है, और क्या करेक्टर है, और ये खाली होती हैं, और क्या होता है, और ये रंगहीन होती है कि रंगीन होती है, तो ये रंगहीन होती है, आकार में बड़ी, खाली और रंगहीन होती है, ये इनके मेन फीचर हैं सिराओं के साथ में। अब क्या होगा जब इनमें पानी भर जाएगा, क्या होगा, पानी भर जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगी, ये हो जाएंगी स्पीथ, फूल जाती है, ठीक है। तो जब पानी भर जाता है तो ये कैसे हो जाती है, स्पीथ हो जाती है, स्पीथ मतलब फूल जाती है, फूल जाती है, तो पत्ती को एकदम सीधा कर देंगी, ठीक है, पत्ती क्या करेंगी, पत्ती की सतह को एक्सपोज करेंगी, सतह दिखेगी आपका, सतही क्षेत्रफल क्या होगा इनका, बढ़ जाएगा, और पानी ना होने की स्थिति में क्या होगा, जिसे कहते हैं वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस मतलब इसमें क्या होगा, मुड़ी हुई पत्तियां खुल जाएंगी, मुड़ी हुई पत्तियां क्या होंगी, खुल जाएंगी, ठीक है। अब जब पानी की कमी कब होती है, बाष्पोत्सर्जन के समय, कब, बाष्पोत्सर्जन, तो क्या होगा, ये आती है स्लथ, स्लथ को बोलते हैं फ्लैसिड, पानी कमी हो गई, फ्लैसिड हो गई, तो ये क्या करती हैं, अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, इससे क्या होगा, इससे इनका सतही क्षेत्रफल कम हो जाएगा, सतही क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इनका, कम हो जाएगा, अंदर तरफ मुड़ गई, सतही क्षेत्रफल कम हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ठीक है, मुड़ गई तो क्या होगा इनमें, इससे क्या होगा कि पानी की हानि को कम कर देती है, पानी की हानि को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, इस तरीके से ये तो हर जगह नहीं पाए जाते, कहाँ होते, केवल घास में, कहाँ पर, ऊपरी त्वचा, कैसी, बड़ी, खाली, रंगहीन, स्पीड होती है तो क्या होती है, खुल जाती है पत्तियां, पानी कमी होगी बाष्पन समय सुलत हो जाती है तो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, क्षेत्रफल कम और पानी की सतह को इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, मानो का। अब हम बात कर रहे हैं इनके डिफरेंस की, हम बात कर लेते हैं एक क्विक रिवीजन, अब हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो डाइकॉट लीफ, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मोनोकॉट लीफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है, एनाटॉमी आंतरिक संरचना में क्या अंतर है, ठीक है। द्विबीजपत्री और इसे क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एकबीजपत्री, इनकी संरचना में, पत्ती की संरचना में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, इनमें ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, इसमें क्यूटिकल की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा होती है, कहां पर, निचली बाह्य त्वचा में,
इसमें क्या होता है, दोनों सतह पर क्यूटिकल कैसी होगी, समान होगी। क्यूटिकल कैसी होती है, समान होती है, ठीक है, समान होती है। अच्छा, पत्ती कैसी होती है डाइकॉट में, पहले ही देख लेते हैं। इसमें होती है, इसकी लंबत काट काटेंगे ना किसी भी पत्ती की, तो इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें होती है पृष्ठाधार, जिसे कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल डाइकॉट, डॉर्सी वेंट्रल डी फोर डाइकॉट, डी फोर डॉर्सी वेंट्रल। इसमें कैसी होती है, आइसो बाई लेटरल सम द्वि पार्श्विक, ठीक है। रंध्र की बात करें तो इसमें निचली बाह्य त्वचा पर रंध्र की संख्या कैसी होती है, बाह्य त्वचा पर रंध्र कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, ऊपर वाली पे होती नहीं है, या होंगे भी बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम नगण्य होते हैं। इसमें दोनों सतह पर रंध्र की संख्या कैसी होती है, लगभग समान होती है, तो समान मान के चल रहे, समान होती है। नेक्स्ट हम बात करें मेसोफिल सेल, जो कभरण ऊतक है किससे बनकर बना होता है, मेसोफिल से। तो मेसोफिल दो भागों में डिवाइड कर दिया, इसमें मेसोफिल विभेदित होता है, यस विभेदित होता है, किसमें, खंभ में और स्पंजी में, ठीक है, खंभ और स्पंजी में। इसमें मेसोफिल खंभ और स्पंजी में विभेद होता है क्या, विभेदित नहीं होता है, इनमें विभेदन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसी हो गया, इसमें कौन सा विचरा विन्यास पाया जाता है, इसमें पाया जाता है जाल का वृत्त सिरा विन्यास। इसके वजह से क्या होता है, वैस्कुलर बंडल की साइज किस पर डिपेंड करती है, वेन की साइज पर, यानी कि सिराओं की साइज पर निर्भर करती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सिराओं वैस्कुलर बंडल की साइज कैसी होती है, वैस्कुलर बंडल की जो साइज है, जो आकार है, साइज मतलब आकार कैसा होता है, समान होता है। क्यों, क्योंकि इनमें समानांतर सिरा विन्यास होता है, सिरा विन्यास के कारण, सिरा विन्यास के कारण ऐसे होता है, ठीक है, समान होती है। केवल ध्यान रखा जाए, केवल मिडरिब को छोड़कर, मध्य सिरा, मिडरिब मतलब मध्य सिरा को छोड़कर, बाकी सब सेम है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं किसके बारे में, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है, लीप के बारे में। डन, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। आप एनसीईआरटी डायग्राम जरूर देखें, ठीक है, ओके, गुड लक।